समुद्र तले दफन एक रहस्य इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम है RMS टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी के शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज निर्माण करने की। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसे जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलिशान महल से भी बड़ा है, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाया। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुई टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलिशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इनकी इसी खूबी के कारण अंकसिकबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगुना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचक हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग बंदरगाह पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर की रफ्तार से शाम को सेवर फ्रांस क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचे और यहां से 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपनी अंतिम यात्रा न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडबर्ग जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाली संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिया जा चुका था, लेकिन कैप्टन स्मिथ न ही जहाज की रफ्तार को कम करना चाहते थे और न ही चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहते थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक के प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लिक और रेजिनल्ड ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात था, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारे की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लिक ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की चट्टानें नहीं दिखी। ये देखकर फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लिक ने एक क्षण ना गंवाते हुए 3 बार घंटा बजाया, फिर तुरंत फोन पे खबर दिया, बर्फ की चट्टानें बिल्कुल ही सामने है। ये सुनते ही सारे ऑफिसर जहाज को मोड़ने की कोशिश की। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने के लिए सारे कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसमें थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन को बंद कर दिए गए। जैसे ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ हुआ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उससे दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से के प्लेट को चीर दिया था, जिससे जहाज के दाहिने साइड पर 300 फीट तक कीले बाहर आ गई थी। कीले बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगी। वहीं जब जहाज के निचले हिस्सों में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एड्यूस ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी के डेक के ऊपर बहते हुए एक एक करके सारी कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइट बोट को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइट बोट मौजूद थे जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों
की थी, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री है और कितने लाइफ बोट है, फिर भी कोई नाव को बगैर पूरी तरह भरा जाने दिया गया और इसी की वजह से ज्यादातर लोगों की जाने गई। उस समय जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी के बीच वहाँ पर मौजूद म्यूजिक का एक दल अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा ताकि मरने वाले आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिसे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2:40 में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर की कोख में समा गया। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जाने गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने के लिए अलग अलग थ्योरी सामने आती रही, जिसमें से कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती है, तो कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट को और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बताकर उसे इसका जिम्मेदार साबित करती है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने के असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरे की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार तकनीकी से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों को 150,000 फोटोज और वीडियोस इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअल तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल किए गए मटेरियल पर कोई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन पर कहीं कोई भी कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल घटिया क्वालिटी की थी। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग से टकराया तो उसमें हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्सों पर पड़ा और इससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने में जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसों से हो रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। उसके बाद से अभी तक 700 से भी ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुकी है। हालांकि 100 साल पूरे हो जाने से इसे पानी के नीचे धरोहर में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र की संस्कृति एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर, अभी तो 100 साल ही हुए हैं, हो सकता है आने वाली सदियों में समुद्र में टाइटैनिक के निशान भी खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ों के दिलों पर तैर रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।